भाई भाई के बीच नफरती दीवार खड़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह थी बड़े भाई की पत्नी, जिसका देवर दीवाना था। लेकिन इस रिश्ते में घर वालों को कोई एतराज नहीं था, मगर गुस्से में तो बड़ा भाई जल रहा था, जिसकी फरार पत्नी 2 सालों बाद वापस आई। और तब जो हुआ वो देखकर जमाना सन्न रह गया। काश पंचायत हो गई होती, काश दो भाइयों के बीच विवाद का हल निकल गया होता, तो आज ये जमाना इस परिवार के गम में शरीक न हुआ होता, ये परिवार दर्द के अश्क बहाने पर मजबूर न होता। लेकिन किसी ने उस विवाद की फिक्र नहीं की, बस अपनी सोचते रहे। लेकिन उस दिल के भीतर जो चल रहा था, उस तूफान की खामोशी किसी ने महसूस नहीं की। और फिर जो हुआ वहां जमाना हैरान रह गया। हेलो हेलो, अरे देवर जी आजकल कहाँ रहते हो, तुम दिखते ही नहीं हो। अरे भाभी जी, हम तो यहीं हैं, आप भी याद नहीं करती हमें। नहीं, मैं तो याद कर रही हूँ, तभी तो मैंने फोन किया। आप कहाँ भाभी जी, आप तो याद ही नहीं करते हो। हम मैं तो याद कर रही हूँ, आ जाओ घर। भैया नहीं है क्या घर पे? नहीं अभी तो नहीं है। क्या हुआ, तुम्हारा भी तो घर है, तुम आ जाओ। भैया नहीं है तो क्या हुआ? अरे भाभी जी, हम तो आने के लिए रेडी हैं, आ जाएंगे। कब आना है? ठीक है फिर आ जाओ, अभी आ जाओ। चलिए ठीक है भाभी जी, अभी आ रहा हूँ। ठीक है। भैया नहीं है क्या घर पे आज? नहीं भैया तो नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा हो गया आज तो। क्या बोल रहे थे, भैया नहीं है? हाँ। भैया नहीं है तो क्या हुआ, बदमाश हो तुम भी पूरे। भाभी हम तो बदमाश ही हैं पहले से। हाँ बदमाश नहीं, शरारती भी हो। अरे शरारत तो हम बचपन से करते आ रहे हैं। क्या बात है भाभी जी, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अच्छा देवर जी, सुंदर तो मैं हमेशा लगती हूँ। नहीं बट आज आप तो कयामत ढा रहे हैं। अच्छा हाँ। आपके भैया तो कभी मेरी तारीफ नहीं करते। भैया, भैया को तो आपकी कदर ही नहीं है। तो किसे कदर है? प्यार तो मैं करता हूँ ना आपसे। अच्छा, बहुत ज्यादा। देवर जी आजकल प्यार तो मैं भी आपसे करने लगी हूँ। अच्छा। ठीक है भाभी, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन आऊँगा आपको लेने के लिए। ठीक है, उस समय का मुझे भी इंतज़ार है। कब आया था? अभी इतना जल्दी में क्या आया तू? मुझे जाना है। अच्छा, कब? काम से आया था, भाभी के पास काम था। कौन? चल चाय पीते हैं। अच्छा भैया, मैं चाय पी नहीं। अच्छा चाय पी लिया, बहुत जल्दी में लग रहा है। ठीक है।
क्या हुआ? कहाँ जा रही हो इतने जल्दी में? बहुत जल्दी में लग रही हो। कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही किचन में जा रही हूँ। आदेश भी आया तो अभी बहुत जल्दी में था। क्या हो गया? क्या करने आया था? क्या काम था तुमसे? आदेश वो तो ऐसे ही आए थे, कुछ काम था। अच्छा, मैं नहीं रहता हूँ तभी हुआ था क्या? कोई चक्कर तो नहीं है? क्या शक शक करते रहते हो तुम्हारे टाइम है? तुम्हारा भाई है वो। मुझे सब पता है, सही सही बता दो। बिना बात का शक क्यों कर रहे हो तुम? हमें सब कुछ पता है, मान जाओ मेरी बात। कर रही हो, बहुत गलत कर रही हो, समझ रही हो मेरी बात को? तुम भी गलत कर रहे हो, अपने भाई पे शक कर रहे हो। तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। क्या कर रही हूँ मैं? इसका अंजाम बहुत बुरा होगा एक दिन, समझ जाओ। सफेद चादर से लिपटी लाश उसी विवाद का नतीजा है जिसका समाधान किसी ने नहीं सोचा, और आज उस विवाद की भरपाई आदेश को अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी, क्योंकि आदेश के फैसले से उसका सगा भाई तिल तिल कर जलने पर मजबूर था। जिस महिला से बड़े भाई आदेश की शादी हुई वहाँ 2 साल पहले आदेश के ही संबंध बने। भाई की इस नाफरमानी से आदेश का जीना दुश्वार था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे अपने भाई को समझाए। बात पंचायत में रखी गई कि आदेश की पत्नी किसके साथ खुश रहेगी, लेकिन यहाँ भी घर वालों की मर्जी चलती थी। इसलिए पंचों को बुलाया है, क्या परेशानी है तुम्हारी बताओ? ये मेरी बीवी है जो अवैध संबंध चल रहा है मेरे भाई के साथ। क्या बोल रहे हो तुम? कैसी बात कर रहे हो तुम भाई? सही बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। और ये आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये चीज। मेरे साथ न्याय होना चाहिए। आदेश ये क्या हो रहा, क्या सुन रहे हैं हम? ये मेरा इनके साथ अवैध संबंध नहीं है। इनके साथ मेरा, मैं इनसे प्यार करता हूँ। तो शादी तो आपका भाई के साथ में हुई थी ना इनकी? शादी हुई तो क्या हो गया, इनको कदर ही कहाँ है इनके प्यार की। तो आप खुश रखेंगे इनको? हाँ, मैं इन्हें खुश रखूंगा। बोलिए क्या समस्या आपकी? शादी आपकी उनसे हुई है, प्यार आप इनसे करते हैं, बताइए क्या समस्या आई है? पंचों को इसलिए बुलाया गया है? क्या बताऊं सरपंच जी, प्यार तो मैं इससे ही करती हूँ, लेकिन ये मुझे मारता है, पीटता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। तो समाज भी कुछ चीज होता है, समाज की मर्यादाओं में भी रहिए ना। शादी इनसे कैसे चल पाएगा ये बताइए? पर ये मारता है, पीटता है, तो मैं कैसे रह सकती हूँ इसके साथ, आप ही बताइए। इसका फैसला तो पंचायत करेगी, हम लोग एक बार सलाह मशवरा करते हैं आपस में, क्या करना है क्या नहीं करना, कि किसके साथ रहना है या किसके साथ नहीं रहना। तो ठीक है, हम आपस में राय मशवरा करके आपको बताएंगे, जवाब देंगे फिर इस बात का। चलिए ठीक है, चार पंच हो बैठते हैं। आपको अपने पति के साथ रहना है या अपने प्रेमी के साथ रहना है, बताइए क्या करना है? मुझे तो इन्हीं के साथ रहना है। अपने प्रेमी साथ रहेंगे? हाँ। तो पंचों का फैसला मानने होगा आपको? मानूंगी। पंचों का फैसला मानना पड़ेगा आपको? बिल्कुल मानूंगी। आपको भी बोला जाता है, इनको ये पसंद है कि अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, आप बताइए आपका क्या राय है? गलत है। लेकिन क्या गलत है अब ये, अगर अपने प्रेमी साथ शादी तो मुझसे हुई ना, तो जो अपने प्रेमी साथ ये खुश रहना चाहती है तो आपको क्या समस्या है? आपने कोई समस्या होगी तो मारपीट कर दो। मारपीट कर रहे हो, ढंग से रखा है भैया? मैं तो रखता हूँ, ढंग से रखता हूँ। कहाँ रखा आपने? आप मारपीट कर रही हो, अब तुझसे मैं सीखूंगा कैसे रखते हैं ढंग से। हाँ, मेरे से सीखना पड़ेगा आपको, तभी तो मेरे पास। तू रख लेगा सही से ढंग से, तभी तो मेरे पास आ रखी है ना, देखते हैं हम भी कैसे रखता है ढंग से। पंचों का फैसला है, जहाँ पे ये रहना चाहती है वहीं पे रहेंगी, आपको कोई समस्या तो नहीं है? पंचों का फैसला मानने पड़ेगा, पंचों का फैसला मानने होगा, मानने पड़ेगा पंचों का फैसला। पंचों का फैसला है, आपको सबको मानना ही पड़ेगा, सबको मानना, आपको मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, ये पंच बुलाए हैं तो इनका फैसला तो आपको मानना ही पड़ेगा। के विरोध में आदेश कुछ न कर सका, नतीजा एक दिन चुपके से देवर भाभी घर से भाग गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि 2 साल पहले उठाए गए कदमों तले चंद नफरत के जलते अंगारे आग की शक्ति में तब्दील होंगे। आदेश को ना तो संभलने का मौका मिला, ना ही समझने का। रात के अंधेरे में बड़े भाई आदेश ने आदेश के शरीर और चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार किए
और खून करने के बाद फरार हो गया। सारे तो सो गए थे, असी जाग रोज ही जागते थे, रात को नहीं जागते थे। आज नींद आ गई थी, सो गए थे। जब पोरा मारा है तब मेरी आँख खुल गई, तो मैं रो के भागे। अच्छा, किसने मारा पोरा? भाई ने मारा है, इनके भाई ने मारा है। के भाई ने, क्या नाम उसका? सादेश। अच्छा, क्यों मारा? वो ऐसे ही मारा है, पता नहीं कहीं सुने ना पाई हो, गाँव वाले ने मार दिया, पोरा कतल कर दिया। मैनपुरी के थाना करहल के गांव नगला में सादेश ने रात के वक्त आदेश पर हमला बोला, जब वो नींद की आगोश में समाया था। सादेश को इस बात का अंदाजा था कि उसके साथ ही उसकी पत्नी भी होगी, लेकिन खुशकिस्मती कही कि कमरे में पहुंचने के बाद सादेश ने सिर्फ अपने भाई पर हमला किया, जिसके शरीर से बाहर लहू पत्नी तक पहुँचा तो उसकी तरावट से उसकी नींद टूट गई और सामने पूर्व पति दिखा, जिसे बिना तलाक दिए पत्नी ने उसके भाई को अपनाया था। लेकिन बिना कोई सवाल जवाब दिए कातिल सादेश अपनी पत्नी को यह एहसास दिलाकर चलता बना कि वो भाई की जिंदगी छीन सकता है, तो उस बेगैरत बीवी की भी हत्या कर सकता था, जिसकी वजह से एक जिंदगी वीरान हो गई। लेकिन भाई की हत्या करने के बाद सादेश पावड़े को छोड़ फरार हो गया। थाना क्षेत्र में आपस परिवार के झगड़ा है, एक भाई सादेश ने उनका छोटे भाई को मार दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में निकल के आ रही है कि ये कोई अवैध संबंध का मामला है। फावड़ा से भाई ने अपने भाई को हत्या करके चला गया, तो अभी मौके से फरार है। पुलिस का टीम गठित कर दी गई है इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करने के लिए। दो साल बाद लौटे आदेश को लग रहा था कि उसका बड़ा भाई सादेश सब कुछ भुला चुका होगा, लेकिन वो एक ऐसे मुगालते में जी रहा था जहाँ आदेश को अपने सामने खड़ा देख सादेश आग बबूला हो उठा। लेकिन उसे सही वक्त की तलाश थी जिस पल वो अपना इंतकाम पूरा कर सके, क्योंकि सादेश का मंसूबा खूनी था। और जैसे ही रात हुई, मौका पाकर सादेश ने परिवार की नींद की खुमारी का फायदा उठाकर घर की दहलीज लांघी और जिस कमरे में आदेश सो रहा था वहीं उसका खून बहा दिया। इस हत्याकांड से हर कोई सन्न है। पुलिस टीम गाँव से फरार हुए कातिल भाई की तलाश में जुटी है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। समाचार। उलझनों से भरी जिंदगी में कोई हमदर्द मिले तो तकलीफ कम होती है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो आपके विश्वास पर खरा उतरेगा। क्योंकि कानपुर की जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, वहां किसी हमदर्द पर भरोसा करने से पहले आप हजार बार सोचेंगे। धुंधली तस्वीर के पीछे नजर आ रही इस अधेड़ महिला की पहचान उजागर नहीं की जा सकती, लेकिन हाँ, इसके साथ ही ज्यादती की कहानी हम आपसे साझा कर सकते हैं कि फिर कोई हालात का मारा तस्वीर में नजर आ रहे अरविंद सिंह की हमदर्दी का शिकार ना बने। तो चलिए सुनाते हैं विश्वासघात की वो सनसनीखेज कहानी जहाँ आज इस महिला के पास कुछ नहीं, जीने का मकसद भी नहीं रहा, जायदाद से नहीं जिंदगी से भी महिला कंगाल हो गई, क्योंकि विश्वास के बिसात पर जो मदद का दावा किया गया वहाँ झांसा देकर बुजुर्ग महिला की इज्जत से खिलवाड़ हुआ। उसे जिंदगी के उस मुहाने पर पहुंचा दिया गया जहां उसके सिर से न सिर्फ छत छीन ली गई, बल्कि वो आज HIV से ग्रस्त हो गई। अरविंद सिंह चौहान वकील। कैसे आपका संपर्क हुआ था उससे? हमको संपर्क हुआ था, हमसे हम इसकी दुकान गए थे, इससे मतलब हमको वहां पता चला कि सेल टैक्स का ऑफिसर है, फिर हमने इससे दोस्ती करी धीरे धीरे दुकान ढूंढ के। ठीक है,
दोस्ती करने में पता चला ये सही बूथ में भी ये ऑफिसर है वहाँ का। इसने कितने का आपसे गबन किया, किस तरीके से, क्या क्या धोखा किया आपके साथ? इसने साहब मेरे संग बहुत कुछ धोखा किया, हमको जान से मार देता वो तो हम बच गए, और उसके बाद भी इसने मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। धोखे की कहानी 2 साल पहले शुरू होती है जब बेटे बहू की ज्यादती से परेशान बुजुर्ग महिला वकील अरविंद के संपर्क में आई, जिसने मदद का दावा करके पहले थाना नौबस्ता पुलिस से शिकायत की, दोनों बेटों और बहुओं के खिलाफ तहरीर दिलवाई, पुलिस पर दबाव बनवाया कि महिला को गुजारा भत्ता मिले। इस खेल में अरविंद कामयाब हुआ तो महिला को लगने लगा कि अभी भी इंसानियत बची है, लेकिन वो एक ऐसे फरेबी के जाल में फंस चुकी थी जिसके चंगुल से निकल पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। जी धोखे में करा ली थी इसने हमको, दवाई दे दे के चाय पिलाता था, दवाई दे दे के हमको होश में, हमारा मन स्थित नहीं था, हम पता नहीं कहाँ चले गए थे। अच्छा, ये मेरे बाल दिल्ली में काटे गए कि हम पहचान में ना आए। ये सब जो आपके संग हुआ इसके पीछे कौन वजह है? ये इसके अरविंद सिंह वजह है। मददगार बनकर अरविंद ने बुजुर्ग महिला का विश्वास जीत लिया। इसी मदद के साथ शुरुआत हुई उस दोस्ती की, जहां बुजुर्ग महिला अक्सर मिलने जुलने लगी, जहां एक दिन महिला रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गई, जिसकी तलाश में परिवार ने कई थानों के चक्कर लगाए लेकिन महिला कहीं नहीं मिली, और जब मिली तो घिनौनी साजिश की वो खौफनाक कहानी सामने आई, जहां भरतपुर के एक वृद्ध आश्रम से महिला को वापस लाया गया, जिसे पहचानना मुश्किल था, वजह थी उसके सिर के बाल जिसे काट लिया गया था। लेकिन वृद्ध आश्रम में जो कुछ हुआ उसकी कहानी सामने आई तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। 18 अप्रैल को मेरी माँ गायब हुई थी, और उसके लिए मैंने फिर 10 मई से इनकी ढूंढने की प्रयास किया अपनी माँ को, जब कहीं नहीं मिली तो हमने थाने में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, और फिर थोड़े दिन बाद पता चला अरविंद सिंह चौहान मेरे घर जाके मेरे पापा को कह रहे हैं कि एक हफ्ते में मकान खाली करो। जब मुझे डाउट हुआ कि इन पे शक गया तो मैंने अपहरण के लिए भी मुकदमा हर जगह गया, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। हाँ बिल्कुल सीरियस हाल में मिली है, उनके साथ शोषण हुआ है और उनके HIV भी हो गया है, और उनके साथ 2 बोतल खून भी निकाला गया है, और उनके बाल काट दिए गए, बिल्कुल गंजा भी कर दिया गया है। अच्छा ये सब क्यों किया उसने, क्या लगा? वो प्रॉपर्टी के चक्कर में, और जेवर था उनके पास थोड़ा, हम लोग की आपस में घर में लड़ाई चलती थी ना बच्चों में मार से, इसने उसका फायदा उठाया है। बेसुध बरामद की गई महिला को कानपुर के एक हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनके HIV पॉजिटिव होने की बात सामने आई, जिसकी वजह थी वृद्धाश्रम में खेला जाने वाला वो गंदा खेल, जहां महिला का शारीरिक शोषण किया गया, उनके शरीर से खून निकाला गया, उन्हें तिल तिल कर मरने पर मजबूर किया गया। आज अभागन इस महिला के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ लुट चुका है, और वो विश्वास जख्मी हुआ, जहां कोई भी किसी की हमदर्दी पर यकीन नहीं करेगा। अभी मैंने पता किया, इस तरह का एक प्रकरण रिपोर्ट हुआ है थाना नौबस्ता में, अगर इस संबंध में कोई एप्लीकेशन आएगी तो नियमानुसार दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। धोखे से अरविंद ने महिला के दस्तखत का गलत इस्तेमाल करते हुए उसकी जायदाद अपने नाम करा ली, बेटों को घर खाली करने पर विवश कर दिया, जहां पीड़ित महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है, और वो फरेबी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके धोखे की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए, वरना जनता का कानून से भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि जख्मी तो विश्वास हुआ है। नीरज अवस्थी, समाचार प्लस, कानपुर।